द फ्रेमवर्क लेसन चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कैमरा इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर्स की वीडियो अपडेट्स के लिए। हे गाइस, मैं हूं अक्ष, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं अपने नए कैमरा से, जो कि मैंने ट्रैवल से रिलेटेड जो मेरा चैनल है उसके लिए लिया है। तो बहुत ही कमाल का कैमरा है, इंस्टा 360 1X कैमरा। तो ये जो शॉट हम इसमें ले सकते हैं वो किसी और कैमरा में नहीं ले सकते, मोस्टली व्लॉगर्स के पास आपने ये कैमरा देखा होगा, तो उसके लिए मैंने लिया है। और इस वीडियो में एक और चीज़ है जिसके मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है इंस्टा 360 की इनविजिबल सेल्फी स्टिक। जब हम इसको यूज़ करते हैं तो ये इनविजिबल हो जाती है। तो ये है इस वीडियो में, और इसमें मैं इसकी अनबॉक्सिंग करता हूँ दोनों चीज़ों की, और रिव्यू करता हूँ कि किस टाइप से इनका रिजल्ट रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, ये है इंस्टा 360 1X कैमरा, एक्शन कैमरा, और इसके ऊपर अगर आप देखो तो ये है 5.7K वीडियो रेजोल्यूशन हम यहाँ पे शूट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लेफ्ट में देखें तो इसके और कुछ फीचर्स इसमें बता रहा है, ये सेम वही है 5.7K वीडियो रेजोल्यूशन, 18 मेगापिक्सल फोटो, फ्लो स्टेट स्टेबलाइजेशन है। उसके बाद 360 ये कैप्चर करता है पूरा 360, इसमें दो कैमरा है जिसमें 180 सामने करता है 180 पीछे, तो टोटल 360। और ये सिनेमैटिक स्लो मोशन इसमें हम ले सकते हैं, और इसके साथ आती है एक इनविजिबल सेल्फी स्टिक जिसको मैं इसके बाद अनबॉक्स करूँगा, और ये भी बहुत कमाल की चीज़ है, इसमें कैमरा में ये इनविजिबल हो जाती है। इसके बाद ये है बुलेट टाइम। बुलेट टाइम में क्या होता है कि आप ऐसे राउंड, आप जहाँ पे खड़े होके, एक इसमें एक एक्सेसरी है उसको यूज़ करके आप बुलेट टाइम शॉट ले सकते हो बहुत ही फास्ट। और ये है फ्री कैप्चर एडिटिंग, इसमें एक सॉफ्टवेयर साथ में मिलता है वो है फ्री कैप्चर एडिटिंग, उसमें हम इसको एडिट कर सकते हैं। ये है वाईफाई प्रीव्यू एंड ट्रांसफ़र, हम इसमें वाईफाई प्रीव्यू भी कर सकते हैं अपने फ़ोन में और फाइल ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। और यहाँ पर है मेड फॉर एंड्रॉयड, आईफोन, आईपैड, फाइनल कट प्रो एक्स, विद इनके साथ ये काम करता है, एंड्रॉयड के साथ भी करता है, फाइनल कट प्रो के साथ भी करता है। अगर इसके बैक साइड में हम देखें तो इस टाइप के कुछ शॉट हम इससे ले सकते हैं, इस टाइप के पर्पज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसको। और यहाँ पे जो इसके अंदर है वो सब दिखा रहा है कि इस टाइप की चीज़ें इसके अंदर हमें मिलेगी। तो ये है, और बस ये है इसका ओवरऑल बॉक्स। और अभी इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं हमें अंदर क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले तो हमारा इंस्टा 360 1X कैमरा बहुत ही कमाल क्वालिटी का है, और लाइट वेट है, बिल्कुल ज़्यादा वेट भी नहीं है, तो काफ़ी मज़ेदार है। और इसमें सबसे ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे कैमरा, बैक साइड में भी कैमरा, तो ये दो कैमरा से मिलके बनता है 360। और ये है डिस्प्ले जिसमें हम सेटिंग चेंज कर सकते हैं कि किस रेजोल्यूशन में हमें खींचना है और क्या फ़ोटो मोड करना है, ये सब चीज़ें यहाँ पे दिखती हैं। और इसके बाद ये दो बटन है नेविगेशन के लिए, और अगर यहाँ पे हम देखें तो ये है हमारा, यहाँ पे हम बैटरी इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर लेफ़्ट साइड में देखें तो यहाँ पे चार्जिंग के लिए स्लॉट दिया हुआ है, ये डाटा ट्रांसफ़र इससे कर सकते हैं हम। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको अगर देखें तो हमें यहाँ पे मिलता है ट्राइपॉड जैक, यहाँ पे हम ट्राइपॉड लगा सकते हैं, और यहाँ पे मेमोरी कार्ड हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। और ये है इसका ओवरऑल फिनिशिंग के साथ बहुत मज़ेदार लुक दिखाता है, तो इसको साइड में अभी मैं रख देता हूँ और अंदर देखते हैं हमें अंदर क्या मिलता है। अभी ये है इसके अंदर, ये जो बुलेट शॉट लेने के लिए है ये वो स्टिक आई थिंक, क्योंकि इसमें वो राइट राउंड वाला शेप दिखा रहा है, तो एक बार ओपन करके देख लेते हैं इसको। तो इसमें सबसे पहले हमें मिलती है यहाँ पे बैटरी, तो ये बैटरी है, और यहाँ पे हमें मिलती है बुलेट शॉट लेने के लिए, इसको हम वहाँ पे जैक कर सकते हैं, यहाँ पे माउंट करके आपकी सेल्फी स्टिक के साथ लगा के हम इसमें ऐसे राउंड करके बुलेट टाइम शॉट ले सकते हैं। अभी बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पे अंदर हमें मिलता है ये, सबसे पहले यहाँ पे मिलते हैं यूज़र गाइड अलग अलग, यहाँ पे इंस्टा 360 के हमें कुछ स्टिकर भी मिलते हैं, और ये यूज़र मैनुअल, क्विक स्टार्ट गाइड, और इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ स्टिकर और हैं यहाँ पे। और इसके बाद ये है केस, ये कैरी करने के लिए बहुत ज़रूरी केस है, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे कैमरा है तो यहाँ पे रखने में इसको प्रॉब्लम होती होगी, क्योंकि यहाँ पे स्क्रैच आ सकते हैं, तो इसमें हम यहाँ पे इसको कभी भी जब हम यूज़ नहीं कर रहे तो यहाँ पे इसको डाल सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे मिलती हैं हमें कुछ केबल जो हम फ़ोन से कनेक्ट कर सकते हैं, और एक ये केबल है जिसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट टू योर कंप्यूटर, कनेक्ट टू योर फ़ोन। तो इसमें दिखा देते हैं किस किस टाइप की हमें केबल मिलती हैं। इसमें हमें मिलती है, एक है माइक्रो यूएसबी, और दूसरा है यहाँ पे एक साइड माइक्रो यूएसबी, दूसरा आईफोन के लिए, और इसके बाद हमें मिलती है एक साइड सी टाइप और दूसरी साइड आपकी माइक्रो यूएसबी, ये यहाँ के लिए मिलती है। और अंदर हम देख लेते हैं इसमें, तो ये है डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए,
ये नॉर्मल माइक्रो यूएसबी। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग और इसके बाद हम देखते हैं ये है, इसको मैं साइड कर देता हूँ एक बार, और ये है इसकी सेल्फी स्टिक, इनविजिबल सेल्फी स्टिक, इसको हम दिखा देते हैं कि इसमें क्या है। तो ये भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी की है, इंस्टा 360 सेल्फी स्टिक। तो इसको हम मैं आउटडोर यूज़ करके दिखा दूँगा आपको कैसे करते हैं। अभी एक बार मैं इसमें बैटरी इंसर्ट करके आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप से ये कैमरा चलता है और कैसे इसके फंक्शंस को हम नेविगेट कर सकते हैं इसमें। जैसे हम यहाँ पे बैटरी को इंसर्ट करेंगे, आई होप इसमें थोड़ी बहुत बैटरी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं इस बैटरी को इंसर्ट करता हूँ, ये GoPro के साइज़ की बैटरी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। मैं इसको यहाँ पे प्रेस करता हूँ तो ये चार्ज नहीं है बैटरी, मैं चार्ज करके इसको यहीं से वीडियो शुरू करता हूँ दोबारा से। तो गाइस ये अभी मैंने चार्ज कर लिया है, अभी सब कुछ हटा दिया मेरे साइड में। ये है हमारा इंस्टा 360 कैमरा और ये है इसकी सेल्फी स्टिक जो इनविजिबल हो सकती है। अभी मैं इसको ऑन करके आपको दिखाता हूँ, इस बटन से आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो इससे आप ऑन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ऑन करेंगे इसमें वर्जन दिखाता है और ये दिखा रहा है कि इतनी इसमें बैटरी चार्ज है, इसमें एसडी कार्ड अभी नहीं है, ये 18 मेगा, इसलिए फोटो मोड में है अभी। यहाँ से हम इससे हम चेंज कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे इससे हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे यहाँ से वीडियो मोड पे आ गया, इसके बाद फिर आप यहाँ पे आए, यहाँ पे सेटिंग को अगर इसके अंदर एंटर करना है तो हम ओके से इससे कर सकते हैं, इससे हम ऊपर नीचे नेविगेट कर सकते हैं। तो ये इसके लिए है। और इसमें अगर इसमें चेंज करना है, जैसे कि मुझे यहाँ पे वीडियो करना है तो वीडियो में यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा 4K 30fps 50fps या 3K, इससे कम नहीं है, यहाँ पे 1080 में नहीं है, इसमें कम से कम यहाँ पे 3K है और मैक्सिमम आपका है 5.7K। और इसके बाद यहाँ पे ISO हम ऑटो वगैरह कर सकते हैं, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो मैं बाद में बनाऊंगा कि किस हमें किस टाइप की सेटिंग रखनी चाहिए और कैसा यहाँ पे हमें किस पर्पज़ के लिए किस टाइप की सेटिंग रखनी चाहिए, वो मैं अलग से वीडियो आपको बता दूँगा बना के। और इसके बाद यहाँ पे मैं इसको माउंट करके एक बार दिखा देता हूँ। तो ये है इसकी सेल्फी स्टिक, बहुत ही प्रीमियम लुक की है और इसको हम यहाँ से ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो ये थी इसकी अनबॉक्सिंग और क्विक रिव्यू। अभी हम बाहर चलते हैं और दिखाते हैं आपको किस टाइप के शॉट्स हम इससे ले सकते हैं और क्या क्वालिटी रहती है। तो गाइज ये है मेरे पास इंस्टा 1X कैमरा और साथ में सेल्फी स्टिक, और यहाँ पे मैं पूल साइड और ये बैडमिंटन कोर्ट साइड यहाँ पे मैं कुछ शॉट लूँगा और आपको दिखाता हूँ कैसे ये सेल्फी स्टिक पोस्ट प्रोडक्शन में इनविजिबल हो जाएगी। तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो गाइस इंस्टा 360 1X का अभी नाइट टेस्ट यहाँ पे हम करेंगे। यहाँ पे लाइट जल चुकी है, सनलाइट बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अभी यहाँ पे देखते हैं इसमें कितना ग्रेन आते हैं, वो सब मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए दिखाते हैं। तो गाइस इस वीडियो में हमने देखा अनबॉक्सिंग एंड क्विक रिव्यू, और इस इंस्टा 360 1X से रिलेटेड अगर आप और भी वीडियो चाहते हो, जैसे कि मोबाइल में एडिटिंग कैसे कर सकते हैं, आप इंस्टा स्टोरी कैसे बना सकते हो, या फिर आप कंप्यूटर में कैसे एडिट कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक मैंने वीडियोस बनाई हैं, उनकी जो प्लेलिस्ट है वीडियोस की वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो लिंक आपको वहाँ मिल जाएगा। और इस वीडियो में फिलहाल की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपके कोई सजेशन है या क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं इस चैनल पर इस टाइप की वीडियो लेके आता रहता हूँ।